ग्रेट गुड मॉर्निंग। ये मेरा का आपका जो सेकंड हाफ है यानी कि जून का दूसरा वर्किंग है पीछे का, वो भी साथ है। पहले आपको मैंने लेसन बता दिए कि लेसन को किस तरीके से करना है, ठीक है, उसके अंदर से क्वेश्चन और आंसर कौन से पेज किस तरीके से करने और चैप्टर में क्या था। अब मेरे बेटा एक इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन शामिल है, इस चैप्टर में से पूछती रेलवे के से, ठीक है, रेलवे में से कॉम्प्रिहेंशन शामिल है। कॉम्प्रिहेंशन से आपने क्या करना है, लेसन को कम्प्लीट रीड करते हैं मुकम्मल थॉरली यार। उसमें कोई एक अगर आपके पास कोई फेमस चीज़ें आ सकती हैं वो आप अंडरलाइन कर लें, उसको बार बार पढ़ लें, उसमें कोई इतना आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का नाम क्या है, कॉम्प्रिहेंशन का यूनिट वही है रेलवेज, तो ऑब्वियसली भी ट्रेन के बारे में ही होगा, ठीक है। तो रेलवेज में अब लॉस्ट इन द स्नो, बर्फ में खो जाना, लॉस्ट इन द स्नो बर्फ में खो जाना, बर्फ यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब उसके अंदर एक ट्रेन का एक जर्नी है वो बताया गया उन्होंने कि किस मुश्किल हालात में ट्रेन ने अपना सफर किया, और ये एक्चुअल ट्रू स्टोरी है, ठीक है। ट्रेन का नाम क्या था, ओरिएंट एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम क्या था, ओरिएंट एक्सप्रेस, ठीक है आपके पास। उसके बाद इसका ऑनर कौन था, ऑन बाय फ्रेंच कंपनी, इसको फ्रेंच कंपनी जो थी वो चलाती थी इस ट्रेन को, ठीक है। ट्रेन को रन आउट करने के लिए मेरा बेटा बजट चाहिए होता है, तो उसको ऑब्वियसली मेंटेन करने के लिए फ्रेंच कंपनी थी, उसने ये इस ट्रेन को चलाया हुआ था जिसका नाम था ओरिएंट एक्सप्रेस, ठीक है। ये सब कुछ आपके चैप्टर के अंदर आपके पास आता जाएगा हेडिंग वाइज। अब ये कब से कब तक चली है, फ्रॉम 1880s टू 1990s, ठीक है, 1880 से लेकर 1990 है, पूरे 100 ईयर्स, ठीक है, 100 ईयर्स अबव भी, यानी कि 100 ईयर्स जो है इस ट्रेन की एक चक्कर थी। रूट बच्चे खत्म नहीं होता, अब आप एक गाड़ी सड़क के ऊपर चल रही होगी उसी गाड़ी में एक दिन खत्म होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेन भी इसी तरीके से है, उसने 100 ईयर्स की एक अच्छा गुजारा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलती थी, मैंने थोड़ा सा आपके लिए चार्ट बना दिया। पेरिस, पेरिस आपके पास ये कहाँ पर है जी, पेरिस मेरा बेटा फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस जो है फ्रांस के शहर, ठीक है, पेरिस से चलती थी, चलती हुई आती थी यूरोप में, यूरोप सेंट्रल जर्मनी भी यूरोप में आता है, हंगरी भी यूरोप में आता है, ठीक है, आपके पास इटली भी यूरोप में आता है। तो मेरा बेटा यूरोप काफी जो है कंट्री है, वहाँ पर यानी कि जितनी भी सिटीज है वहाँ पर ये ट्रेन चलती थी। पेरिस से यूरोप आना, यूरोप तुर्की, ठीक है, तुर्की का जो पुराना नाम यानी कि हम तुर्की के एक शहर इस्तांबुल जिसको हम कहते हैं उसका पुराना नाम क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल का यानी कि न्यू नेम क्या है, इस्तांबुल, ठीक है। ट्रेन कहाँ से चलती थी, पेरिस से, पेरिस से किधर आना, यूरोप, यूरोप से आपका स्टॉप उसका किधर होता था, तुर्की, तुर्की के किस शहर में होता था, इस्तांबुल, ठीक है, तुर्की के किस सिटी में होता था, इस्तांबुल में होता था, ठीक है। ये आपके पास ट्रू इवेंट है, ठीक है, आपके पास ट्रू इवेंट है, इसके अंदर किसी किस्म की यानी कि एक सच्चा वाकया था उसको उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, मेरा बेटा आपके पास बयान किया है, उसको सिर्फ आपने पढ़ लेना, ठीक है। वाकया क्या था, मेरा बेटा चीयरफुल कोल्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड थी, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से लोग डर रहे थे और कांप रहे थे, ठीक है। सर्विंग ऑफ फूड, खाने को पेश किया जा रहा था लोगों को ट्रेन के अंदर, लेकिन लोग बहुत ज्यादा ठंड थी जिसकी वजह से, और ट्रेन का खच्चा ये था कि कहीं वो स्लिप ना हो जाए, ट्रेन को बर्फानी तोदों के ऊपर से गुजरना पड़ रहा था, स्नो फ्लेक, स्नो फॉलिंग थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना था। तो ये मेरा बेटा एक सिनेरियो पेश आया, लोगों को लोगों ने डिफिकल्टीज बर्दाश्त की, और ट्रेन जो थी आप ये देखेंगे ट्रेन ने उस वक्त की इतनी उनकी एक एफर्ट थी कि इतनी ज्यादा ठंड में भी वो लोगों को इतना काफी लंबे रूट का जो है काफी लॉन्ग जर्नी जो है उसको मेंटेन रखे हुए, ठीक है। तो ये मेरा बेटा आपने कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन को आपने कंप्लीटली थोड़ा सा पढ़ लेना है, ये नहीं करना कि उसको छोड़ दें, कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ देना है, सिर्फ सवाल याद कर लें, बाद याद कर लें, बच्चे थोड़ा सा ग्रूम अप होकर पढ़ना है, बड़ी क्लास है, ठीक है, जब 5-6 होता है उसको चलो बच्चों को कह देते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नहीं आपके लिए जरूरी है मेरा बेटा, आपने भी इन्होंने जो डिफिकल्ट वर्डिंग है उसको आप साइड पर लिखें, ठीक है, लिखने के बाद उसके मेरा बेटा मीनिंग भी फाइंड आउट करें और उसको लिखें, ठीक है। नेक्स्ट मेरा बेटा आपके पास है आफ्टर ब्लेनहिम, आफ्टर ब्लेनहिम इज द नेम ऑफ वार, ठीक है, वार का नाम है, ठीक है, आफ्टर ब्लेनहिम आपको बता दूंगा आपने देख लोगे, बट इज ब्लेनहिम, ब्लेनहिम बेसिकली इज द नेम ऑफ द वार, ठीक है। अब यहाँ पर है जी पॉइंट में आपके पास पेज नंबर 108, इसके अंदर से करना आपने क्या है, ना तो क्वेश्चंस करने हैं, ना मीनिंग्स करने हैं, ना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने समरी याद करनी है, समरी आपके पास 3-4 लाइंस की आपके पास बयान की गई है प्लानर के ऊपर, वहां से आपने पढ़ लेनी है। स्टोरी आपको बता देता हूँ कि वार क्या है, इसके अंदर 2-3 करेक्टर्स हैं, पहला है जी ओल्ड कैस्पर, ओल्ड कैस्पर यानी कि ग्रैंड फादर, दादा जान है जी के बच्चों के, ठीक है। फर्स्ट करेक्टर है जी ओल्ड कैस्पर, ये आपके पास ओल्ड कैस्पर जो है ये फर्स्ट करेक्टर है, ठीक है, ये है जी ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर है, जाहिर सी बात है अपने को पुरानी चीज पूछनी हो तो अपने बाप यानी कि बाप दादा से पूछते हैं, तो उनके पास ग्रैंड चिल्ड्रन उसके पार्क में खेल रहे हैं, ओल्ड कैस्पर जो है वहां पर कुर्सी लगा कर बैठा हुआ है सूरज के पीछे। अब यहाँ पर है जी पीटर गेल, पीटर गेल जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है, अब वो पार्क में खेल रहा है, उसने क्या किया जी फाउंड अ स्टम, उसको एक खोपड़ी मिली है, इंसानी खोपड़ी मिली है, ठीक है। अब उसने फटाफट सवाल किया ओल्ड कैस्पर से जो अपने दादा जान थे,
ये क्या चीज है, ये यहाँ पर कैसे मौजूद है? ठीक है, अब या जब वो उधर हल चला रहे थे, वो कहते हैं जब मैं हल चलाता हूँ, दादा ने कहा जब यहाँ पर हल चलाता हूँ मुझे तो बहुत सी खोपड़ियाँ मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? अबाउट वार, ये जंग के बारे में था। कब हुई थी जंग? 1704 में। ठीक है, और जंग के नतज क्या थे? नो रिजल्ट, किसी किस्म के रिजल्ट, ऑब्वियसली जंग के नतज क्या होने, लोगों का खून खराबा ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी थाउजेंड ऑफ लाइव, हजारों जिंदगियां जो है, हजारों लाखों जिंदगियां जो है वो तबाह हो गई थी। जंग किसके दरमियान हुई थी मेरे बेटा? यहाँ पर आइए, आपके पास इंग्लिश प्लस फ्रेंच, ठीक है, ये आपके पास फ्रेंच जो है, फ्रांस और इंग्लिश, इंग्लिश कहते हैं यूके, बर्तानिया। ठीक है, ये इंग्लिश जहां पर भी आपके पास लफ्ज आएगा उसको हम कहेंगे बर्तानिया। ठीक है, फ्रेंच हम कहेंगे फ्रांस, आपके पास फ्रांस और बर्तानिया। ठीक है, फ्रांस और बर्तानिया के दरमियान एक जंग हुई थी, और इंग्लिश ड्यूक, ड्यूक कहते हैं मेरा बेटा बादशाह को, ड्यूक किसको कहते हैं? बादशाह को। इंग्लिश ड्यूक ने, बादशाह ने ये जंग जीत ली थी। ठीक है, जर्नैल था उसने जंग जीत ली थी और फ्रांस को नुकसान हुआ। तो जस्ट एक बच्चे को ये बता रहा था कि जंग के नतज कुछ भी नहीं थे, सिर्फ जर्नैल कुछ हुए और लोगों को तबाह किया उन्होंने। ठीक है, तो ये मेरा बेटा जो ग्रैंड फादर दादा जान ओल्ड कैस्पर है वो किसको बता रहे थे? अपने बच्चों को बता रहे थे। दोस्तों मेरा बेटा फाइनली ये है कि इसके अंदर से आपने समरी जो है उसको याद कर लेना है। ठीक है, आपको स्टोरी मैंने बता दी है, जितने भी आपके फोर टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको चारों में चारों एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, जितना आपको बताया गया मेरा बेटा उतना वो उसमें से ये है कि थोड़ा सा खुद भी एफर्ट करें। अगर आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे तो बेशक क्लास में भी हम एक्सप्लेन करते हैं तो आप घर जाके जब तक नहीं पढ़ते आपके पास एक आपको नेचुरली टाइम मिल गया मेरा बेटा इन चीज़ों को बेटरली प्रिपेयर करें ताकि आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो, आपका जो है जो याद करने का एक्सपेक्ट है वो उसमें थोड़ा सा इजाफा हो। ठीक है, थैंक यू मेरा बेटा।